Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 9. Information handling. On book page number 178. Exercise 9B and question number 1 of exercise 9B. तो देखें question number 1 जो है exercise 9B का वो क्या है? Fill in the blanks. Question number 1 में हमें कुछ blanks given हैं जिनको हमने fill up करना है. तो उसका A part देखें the randomly collected information about an event. Our category is known as randomly, यानी कि जिसका कोई भी properly sequence नहीं होता, कोई भी तरतीब नहीं होती, ठीक है? कोई भी randomly collected कि कोई ऐसी information जो कि हमारे पास जिसका कोई sequence नहीं है, लेकिन हमारे पास वो information है किसी भी event के बारे में, किसी भी category के बारे में, तो उसको उस information को हम क्या कहते हैं? तो रैंडमली कलेक्टेड इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी इवेंट के बारे में कहलाती है डेटा. ठीक है, तो ब्लैंक में क्या आएगा? डेटा. फर्स्ट ब्लैंक में आपने लिखना है डेटा, डी ए टी ए, डेटा. बी पार्ट, बार ग्राफ्स कैन बी रिप्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टली और ब्लैंक, कि बार ग्राफ को हॉरिजॉन्टली और ब्लैंक रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बार ग्राफ वाले टॉपिक में पढ़ा था कि बार ग्राफ को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्टिकली. ठीक है, तो ब्लैंक में आपने क्या लिखना होगा? वर्टिकली. अब डी, सॉरी सी पार्ट, द टॉपिक ऑफ द ग्राफ इज नाउन एज ब्लैंक. ग्राफ के ऊपर जो ग्राफ का टॉपिक होता है, जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन होती है कि ग्राफ किस बारे में है, उसे क्या कहा जाता है. तो जो टॉपिक होता है ग्राफ का, उसे उसके क्या कहते हैं? टाइटल. ठीक है, ग्राफ के टॉपिक को टाइटल कहा जाता है. तो सी पार्ट में आपके पास आएगा टाइटल. पार्ट डी, ग्राफ्स आर मेड ऑन टू एक्सिस. ये ग्राफ जो है वो दो एक्सिस पे बनाए जाते हैं. ठीक है, तो वो दो एक्सिस क्या होते हैं? जिन दो एक्सिस पे ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, उन दो एक्सिस को कहते हैं एक्स एंड वाई. एक्स एक्सिस होता है अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम जो लेते हैं वो कंपोनेंट होगा एक्स, और वर्टिकल एक्सिस में जो कंप्यूटर लेते हैं वो होगा वाई. तो ग्राफ जो है वो दो एक्सिस एक्स और वाई के दरमियान बनाए जाते हैं. पार्ट ई, ग्राफ रिप्रेजेंटेड इन ब्लॉक्स इज नोन एज ब्लैंक ग्राफ, कि ऐसा ग्राफ जिसको ब्लॉक में रिप्रेजेंट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वो कौन सा ग्राफ होगा कि जिस ग्राफ को ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है वो कौन सा ग्राफ होगा? तो वो होता है ब्लॉक ग्राफ. ब्लॉक ग्राफ को ब्लॉक्स की सूरत में रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिल द ब्लैंक्स जो है वो हमने सॉल्व कर लिया. इसको आपने अपनी नोटबुक पे, सॉरी बुक पे नंबर 178 पे सॉल्व करना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और ये कहा गया है कि आपने ये बताना है वो स्टेटमेंट्स ट्रू है या फिर फॉल्स है. ठीक है, तो अब देखिए पार्ट ए, बार ग्राफ्स हैव स्पेस बिटवीन द बार्स, कि बार ग्राफ्स में बार्स जो होती हैं उनके दरमियान में स्पेस होती है. ये ट्रू है या फॉल्स है कि जो हम बार ग्राफ बनाते हैं उन बार ग्राफ में, उस बार ग्राफ में, ठीक है, बार्स के दरमियान स्पेस होती है.
तो ये ट्रू है, यस बार्स के दरमियान स्पेस होती है बार ग्राफ में, इट इज ट्रू. बी पार्ट, इन अ कॉलम ग्राफ कॉलम्स आर ड्रॉन हॉरिजॉन्टली. कि कॉलम ग्राफ में कॉलम्स को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्रा किया जाता है. कॉलम ग्राफ के अंदर कॉलम्स को हॉरिजॉन्टली ड्रा किया जाता है तो ये फॉल्स होगा. अगर कॉलम ग्राफ है तो कॉलम्स को हॉरिजॉन्टली बल्कि वर्टिकली ड्रा किया जाएगा, तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हुई. सी पार्ट, अ वर्टिकल बार ग्राफ कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टली. और जो वर्टिकल बार ग्राफ होता है हम उसको हॉरिजॉन्टली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यस, वर्टिकल बार ग्राफ को हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी कि वर्टिकल बार ग्राफ को हम हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डी पार्ट, टाइटल ऑफ द ग्राफ मीन्स यूनिट टेकन ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस. कि ग्राफ के ऊपर जो टाइटल होता है उसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कितने यूनिट्स लिए गए हैं. जितने भी यूनिट्स लिए जाते हैं उनको ग्राफ के टाइटल के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं. कि ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी. क्योंकि जो हमारे पास टाइटल होता है ग्राफ का उसका मतलब ये होता है कि इस ग्राफ के अंदर किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, उन इंफॉर्मेशन के रिलेटेड जो है वो उसका टाइटल होता है, ना कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यूज होने वाले यूनिट को टाइटल करार दिया जाता है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी. ठीक है, तो डी पार्ट भी इसका फॉल्स हो गया. नेक्स्ट है ई, द इंफॉर्मेशन शोन ऑन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस आर नोन एज लेबल्स. के ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में जो इंफॉर्मेशन शो की जाती है उन्हें लेबल्स कहा जाता है. ठीक है, ग्राफ के अंदर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस होते हैं उनमें जो भी इंफॉर्मेशन शो की जाती है उनको लेबल्स कहा जाता है. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी. जी, इनको लेबल्स ही कहते हैं जो इंफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में शो होती है. तो ये हमारे एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने आज वाले लेक्चर में सॉल्व कर लिया. तो एक्सरसाइज 9B के जस्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ही सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन इसके हमने सॉल्व नहीं करते. तो आज वाले लेक्चर में हमारा ये चैप्टर नंबर 9 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग ये कम्प्लीट हो गया है. तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. अल्लाह हाफिज़.